युवाओं के लिए स्टार्टअप की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अटल नवाचार मिशन की कड़ी में इंदौर भी जुड़ गया है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में महापौर मालिनी गौड़, एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील आंबेकर और प्रेस्टीज के डायरेक्टर देवेश जैन ने युवाओं को संबोधित किया। अटल इनोवेशन मिशन से स्टार्टअप को मदद के लिए नीति आयोग देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य युवाओं को अपने आइडियाज को बिजनेस में बदलने का मौका दिया जाना है। प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन के सीईओ पुनित द्विवेदी ने बताया कि इंदौर खानपान के लिए देश भर में जाना जाता है। फूड प्रोडक्ट में इंदौरी ख्याति से नीति आयोग ने इस क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अटल इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय की चुनौती है कि कैसे इनोवेशन के क्षेत्र में प्रगति लाई जाए ताकि युवाओं को कई मौके मिल सके, क्योंकि आज भी 65% जनता कृषि पर ही निर्भर है। इंदौर में ये सेंटर कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। एक साधारण किसान जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी इनोवेशन कर सकता है। हमारे विचारों में नवाचार से रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मैं स्टार्टअप में वाकई योगदान देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को श्रेय देती हूँ, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। बालाघाट की महिलाओं ने स्व सहायता समूह से फाउंडेशन बनाया और 4 करोड़ रुपए की अपनी बचत से बैंक बना ली और अपने इस बैंक से वे लोन लेती हैं, वो भी बिना इंटरेस्ट के। भारत को सशक्त बनाने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें मानसिक, तकनीक, वित्तीय सहाय देना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छ भारत आदि सफल उपायों की और एक समग्र भारतीय व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। इन्हीं के माध्यम से अधिक व्यवसायों का उत्थान एवं परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना संभव होगा। स्टार्टअप की फूड टेक्नोलॉजी और कृषि के स्टार्टअप के लिए प्रेरित करते हुए महापौर मालिनी गौड़, एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील आंबेकर ने भी युवाओं को संबोधित किया। प्रेस्टीज के डायरेक्टर देवेश जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए डेयरी और कृषि खाद्य प्रसंस्करण में अपार संभावना है। अब तक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में ही इंक्यूबेशन सेंटर है। इंदौर में निजी क्षेत्र में यह पहला इंक्यूबेशन स्पेस होगा, जिसे नए आइडियाज को आकार देकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप सेंटर से 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग ले सकते हैं। यहां डीएवीवी कुलपति नरेंद्र धाकड़ भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही यहां बाधाओं से बुलंदियों तक किताब का विमोचन भी किया गया। नहीं, विद्यार्थी परिषद की जेएनयू में ताकत लगातार बढ़ रही है। 2-3 साल पहले लेफ्ट के संगठन आयसा के साथ एक संगठन था, फिर और हमारी ताकत बढ़ी, वो 2 संगठन बने, फिर 3 बने, इस बार 4-4 सारे संगठन मिलकर विद्यार्थी परिषद के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पर उनकी एक तरीके से एक मोरल मतलब हार हुई है और हम लोगों की जीत हुई है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं आपको बोलता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 58,000 विद्यार्थियों के वोट मिले और यहाँ 5,000 लोगों के वोट मिले, तो आप लोगों को इस बात के जजमेंट लेने में भी आप लोगों को मुझे लगता है इसके बारे में सोचना चाहिए। सवाल ये कि आपकी सरकार आने के देखिए रिसर्च के क्षेत्र में इंदौर पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप शुरू की गई। पहली बार इस देश के अंदर स्पार्क नाम से नई रिसर्च की योजना लाई गई। पहली बार इंस्पायर नाम से अलग अलग सोशल फील्ड में रिसर्च की योजना लाई गई। रिसर्च जो बच्चे करते हैं उनकी फेलोशिप बढ़ाई गई। अलग अलग तरह से हमारी मैच्योरिटी मिनिस्ट्री के अंदर एक इनोवेशन सेल की स्थापना की। हमारा क्योंकि हमारे बच्चों को जो है अप टू डेट सिलेबस वो लोग पढ़े। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एस ने जितने भी टेक्निकल कोर्सेज देश के अंदर चलते हैं सबके सिलेबस मॉडल सिलेबस बनाया, ताकि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, जितने भी टेक्निकल चलते हैं, सब उस मॉडल सिलेबस को लें। क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी जैसे इंजीनियर पास आउट होते हैं उनमें सब लोगों को नौकरी मिल 17-18% को नौकरी मिलती है। इसलिए उनके पढ़ाई का स्टैंडर्ड किस तरह से बढ़े, बाहर के दुनिया के जो अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं, बाहर के लगभग हम 1200-1300 जो प्रोफेसर हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, उनको ज्ञान एक स्कीम हमारी है उसके अंदर जो है उनको बुलाया जा रहा है। उनको एक हफ्ते के लिए आते हैं तो $8,000 हम देते हैं
दो हफ्ते पढ़ाते तो 1200 US डॉलर देते हैं, तो दूसरी तरह से हम अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, उनका रिसर्च में बढ़े, इनोवेशन में बढ़े, उनका क्वालिटी बढ़े, MOOC नाम से जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू की है, ताकि हम सब लोग मिलकर के, चाहे टीचर्स हों, चाहे समाज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबको मिलकर के इस इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च और क्वालिटी के फील्ड में मिलकर के काम करने की जरूरत है।